मेरा नाम है ऋषिक पटनायक, ये मेरा दूसरा फीचर फिल्म है। और मैम हमारे साथ सुपर्णा मारवा मैम, जो हमारा मदर का कैरेक्टर निभा रही है, और हमारे साथ काजल हिमालयन, जो एज ए लॉयर कैरेक्टर कर रही है। थोड़ा सा आपके बारे में आप बता सके, किस तरह है सर के साथ? सर के साथ तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी मुलाकात है। मुझे लगता है मेरा बेटा है, ऐसे ही उन्होंने अप्रोच भी मुझे वैसे ही किया था। और व्हाट रियली फैसिनेटेड मी वाज द स्टोरी एंड द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी, जो कहानी की सच्चाई है उसके साथ एक अच्छा प्यारा सा लिंक जुड़ा है। एंड आई होप वी कैन शो दैट इन द फाइनल मूवी। सेम, मैंने ऋषि के साथ पहले भी काम करा हुआ है एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट एंड प्लेजर टू वर्क विद हिम। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एज वेल। एंड मैं लॉयर का कैरेक्टर कर रही हूँ, सेम एज मैम, दैट वी रियली वॉन्ट टू शो दिस स्टोरी बिकॉज इट हैपन्स अ लॉट इन इंडिया एंड वी वॉन्ट टू पोर्ट्रे हाउ अ फैमिली गोज थ्रू इट। सो या दैट इज ऑल आई कैन से फॉर नाउ। जो उड़ीसा में हुआ था कुछ सालों पहले, और ये कहानी कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज्यादा लोगों को क्लिक कर रही है। कोलकाता केस के बाद, इतने सारे केस के बाद, कहीं ना कहीं ये रेप और मर्डर मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने रिसर्च क्या किया है और किस तरह से सच्चाई पे जी, अफसोस है, तो रिसर्च वगैरह ये जो केस हुआ था 2015 में हुआ था, और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ था, सारे आर्टिकल्स वगैरह मैनेज हुए थे, क्योंकि कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब जुड़े थे इस मामले में। तो कहीं ना कहीं हम इसको बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स रख रहे हैं, और इसमें हमारी भी अपनी चंक जो है वो भी ऐड कर रहे हैं। लगता है करंट सिचुएशन जो दिया गया है, ऐसे में ये सब्जेक्ट जो बहुत ही सेंसिटिव सेंसिटिव है और ऐसे टॉपिक पर आप निकल आए। पहली फिल्म से क्या हटके पहले में आपने ऐसे ही कुछ किया नहीं, है? पहली फिल्म जीत जो था वो एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर ही था, मर्डर मिस्ट्री था, बट ये पहली बार कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव केस के ऊपर हम आ रहे ऐसा कुछ लगा आपको अंदर से क्लिक हो गया या इस पे ही बनाते हैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट बनाना ही चाहिए? हैं। ये सब्जेक्ट इसलिए मुझे क्लिक हुआ क्योंकि आजकल जैसे ही घटनाएं इतने बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट पे हम कूद सकते हैं। और ये जो चीज है, ये जो केस हुआ है, ये इन सबसे थोड़ा अलग है। इसका जो कंक्लूजन हुआ, जो रिजल्ट आया था, वो भी बहुत अलग था। क्या आपको का मानना है जैसे मैं कर रही हूँ कि जैसे रेप केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में सज़ा एक को फास्ट ट्रैक हो और एक को सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए तो सही होगा? एब्सोल्युटली, मैं तो बोलती हूँ जो जो आपने अत्याचार वो बच्चे के साथ या लड़की के साथ किया, सेम वो विक्टिम अपना जो करता है रेपिस्ट उसके साथ भी होना चाहिए। सो दैट उसकी वजह से सारे लोग एक बार तो डरे, एक बार तो सोचें कि किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले मुझे भी तकलीफ होने वाली है। आई फील वी हैव टू टेक एक्शन वी ऑन शुड दिस। हैव अ बेटर लॉ फॉर दिस बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो या एंड वी हैव दैट राइट। इमीडिएट इमीडिएट जजमेंट होनी चाहिए। और ये भी तरीके से काम है और सही भी हो शायद, जो क्राइम करता है सलाह तो उसको नकाब में मत डालिए, उसको हाँ दिखाइए बता रहा है जी। ट्रू लेकिन ट्रू, ज्यादा उसका उसको शर्म आएगा इस तरह की चीजों को लगता है पहले ही उसको बैक करने की जगह उसको सामने लाना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, वेदर इट्स फैमिली या कोई फ्रेंड्स या पॉलिटिकल कनेक्शंस, दैट शुड नॉट हैपन। कहीं ना कहीं बाहर के देशों की जो सजा है वो काफी स्ट्रिक्ट है, काफी इमीडिएट है, एंड पब्लिक सजा बहुत सारे रहते हैं, जैसे चाइना, आई थिंक एवरीवन इज लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, वहाँ पूरा पब्लिकली उनको ये किया जाता है। बट हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी के थ्रू थोड़ा बहुत दब जाती है वो चीज। होनी चाहिए, इसका होना चाहिए ताकि दूसरे एक बार तो डरे, जो भुगत रहा है वो तो भुगत रहा है पर दूसरा आदमी भी डरे ये करने में। लगता है ये सब चीजें कुछ फास्ट ट्रैक तो होनी चाहिए, बहुत सारे केस रिपोर्ट नहीं होते, बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती फैमिली है डर साथ, जाती है। कुछ के पास नहीं जा पाती, तो आई थिंक सब चीजें भी अपन में कोशिश करनी पता है। कहीं ना कहीं हम फिल्म के थ्रू कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट जो हमारे लॉ के अंदर है उसको भी हम कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि कोर्ट रूम ड्रामा के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को दिखा सकते हैं। अच्छा, तो फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है अगर उनके बारे में आप बता सकते हो, शूटिंग कब क्या क्या कहाँ हुआ? फिल्म के जो स्टार कास्ट है, मिकी मखीजा सर है, सुपर्णा मारवा मैम है, काजल हिमालयन है, श्याम मसलकर सर है, यहाँ पे दयानंद शेट्टी भी हमारा ऑन बोर्ड आ रहे हैं। और फिल्म की शूटिंग हमारी जनवरी मिड के बाद ही होने वाली है, जनवरी मिड से जनवरी एंड फरवरी तक, उसके अंदर ही हमारी फिल्म की शूटिंग होगी। और रिलीज डेट तो अभी तो कुछ हमें आइडिया है नहीं, बट वो तुरंत आफ्टर द शूट, मे बी इन 6-7 मंथ्स। कहाँ कर रहे हैं? हम लोग पहले इसको विल गो फॉर इंटरनेशनल फेस्टिवल थिंग्स,
एक बार फेस्टिवल से अवार्ड्स के बाद विल डायरेक्टली गो फॉर द थिएट्रिकल रिलीज एंड उसके बाद हम ओटीटी के लिए जाते हैं। शूटिंग लोकेशन स्काउट हो चुके हैं, मर्ड आइलैंड में भी है लोकेशंस और नायगांव साइड भी हमने देखा है, विरार साइड, पालघर साइड, गांव का जो लोकेशन है वो बहुत सारी चीज देखा है। तो अभी कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है बट जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। जी 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 माय नेम इज तनिष्क एंड मैं इस फिल्म से सिर्फ मेरी मम्मा के लिए जाऊंगी। खुश हो, एक्साइटेड हो काम कर रहे हो फिल्म में करने जा रहे हो? यस यस। पहली बात तो बहुत ही अच्छी कास्ट है, डायरेक्टर को मैं पर्सनली भी जानती हूँ एंड उनका विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वही है एज ए टीम की जो वो एक केस है, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो हमें उनके लिए एक जस्टिस करना है इस मूवी के थ्रू, इस पूरे क्रू के थ्रू। एंड द कास्ट इज़ अमेजिंग, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू वर्क विद सच वेटरन पीपल। तो यस एज अ गर्ल मैं कहूँगी कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, दो ये टॉपिक हम सबके लिए उतना ही सेंसिटिव है बट बीइंग अ गर्ल ये उतना ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो भी हूँ एक फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे नेचुरली ही। जब मैं ये कहानी सुनूंगी, जब मैंने कैरेक्टर सुना, तब मुझ में वो एक आया इंस्टेंस कि कुछ तो है जो यू नो डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है प्ले करने के लिए। आई एम गोइंग टू फील कि ये बहुत ही पेन में जा रही है लड़की, सो वो डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा टू प्ले। एंड ऑफ कोर्स ऋषिक इज़ देयर कि टू हेल्प मी आउट विद द फिल्म थ्रू आउट। डेफिनेटली एट दिस वेरी एज जिसमें तनिष्क है, बिलीव यहीं से या इनफैक्ट अभी और भी पहले से ये सिखा देना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बिकॉज अभी लड़कियाँ कहीं ना कहीं से कि बाहर ही नहीं बट इंटरनली फैमिली में भी सेफ नहीं है, जो केसेस हमने सुने हैं। सो ये घर से ही शुरुआत कर देनी चाहिए एंड स्कूल में तो डेफिनेटली वर्कशॉप्स होने चाहिए जिसमें सिखाया जाएगा वॉट इज़ गुड टच, वॉट इज़ बैड टच। फोविल प्रोडक्शंस एक्चुअली मैंने इसको ओपन किया 2021 में एंड इसको रजिस्टर तभी किया था और बाकी इसके अंडर हमने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बहुत चालू किया था। हमने पहला फीचर जून के महीने में किया, ये हमारी दूसरी फीचर है फोविल प्रोडक्शन में। शॉर्ट फिल्म्स तो 2025 हमने कर चुके हैं जिसको नेशनल अवार्ड्स में मिले हैं फोविल प्रोडक्शन को एंड दिस इज आवर सेकेंड फीचर फ्रॉम फोविल प्रोडक्शन। हेलो माई नेम इज अब्बास और मैं यहाँ पर इंटर्न एडी भी कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म एज वेल। मैं तो यही कहूँगा कि एज अ डायरेक्टर इनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ दैट जितने भी लोग इंटर्न्स हो या उनके टीम में हैं हम डेली कुछ नया सीखते हैं, बी एट बिहाइंड द कैमरा या फिर जो भी है, साइनिंग से लेके एक्टिंग तक। आई थिंक दैट एज अ डायरेक्टर ही रीचेज दैट पॉइंट कि वो हमें वो एक वो कैरेक्टर हो या जो भी हो उसको निकालते हैं। आई थिंक वो ही डज इट द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। हाय माय नेम इज आकाश, आई एम द राइटर एंड ही सेड जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, हम हर रोज ही कुछ नया सीखते हैं। जो आर्ट साइड है वो तो है ही कि लिखना है, कैसे कैरेक्टर डेवलप करना है, बट साथ ही में इंडस्ट्री में कैसे फंक्शन करना है, कैसे किससे बात करना है, आप किसको अप्रोच कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो भी जो स्मॉल डिटेल्स है वो बहुत कुछ सीखने मिलते हैं। रिसर्च सारी मेरे पास, मेरे लिए बहुत इजी हो गया था सब रिसर्च करना क्योंकि सारे आंसर्स, मुझे कुछ भी डाउट होता था मैं उनके पास ही जाता था एंड ही वुड गाइड मी इन दैट डायरेक्शन कि जहाँ कहाँ जाना है। उसके अलावा हाँ कुछ मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करना पड़ा नहीं, सारे आंसर उन्हीं के पास थे। पहली बार है और स्टार्टिंग में क्या है कॉन्सेप्ट जो था उसका एक बेस लाइन ही था,
तो बेस लाइन को कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया था बहुत टाइम पहले, तब तक आकाश नहीं मिला था, बट लेटर ऑन जब आकाश मिला मुझे तभी वो कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया, एंड वो कॉन्सेप्ट डेवलप होते होते आज एक पूरी 2 hours की लेंथ की पूरी फिल्म रेडी हुई। आज एक्चुअली हमने गेट टुगेदर रखा था, एक पूजा रखी थी हमारे फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक फिल्म आ रही है जो हम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक मुहूर्त जैसा हमने स्टार्ट किया था। छवि इसलिए हमने चुना क्योंकि वो केस का नाम ही छवि था जो हुआ था, तब मैं चाहता था कि वही केस डिराइव हो ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, ये कुछ अलग है इसलिए। इंटरनेशनली तो मैं इतना फॉन्ड नहीं हूँ, बट नेशनली अगर इंडिया के लिए जाऊँ तो मे बी मैं अनुराग कश्यप से ज्यादा फॉन्ड हूँ, बट इंटरनेशनली मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ऑल्सो, बट अगर हम इंडिया के थ्रू जाए तो अनुराग कश्यप इज लाइक। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक हमारा आ जाएगा जो हमारी फिल्म है, शूटिंग हमारी जनवरी में है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो, लोग आए देखें और लोगों को एटलीस्ट वो अवेयरनेस आ जाए कि क्या हो रहा है हमारे देश में, तो उसके ऊपर हमने पूरा फिल्म ये बनाई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। सो ये गौरव छावरा है जो हमारे एज ए फिल्म में प्रोड्यूसर जैसे जुड़ रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, और ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है जिनका नाम है ऋषि। नहीं, आपको ये लग रहा होगा कि यंग है, बट क्लैरिटी बहुत है थॉट पे और अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है इनको काम करते हुए, और जो सब्जेक्ट इन्होंने चूज किया है वो बहुत सेंसिटिव है, तो उसकी हैंडलिंग भी बहुत यू नो तरीके से करनी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ही डू जस्टिस टू द सब्जेक्ट एंड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म। तो मेरा ट्रस्ट ऋषिक पे है और पूरी टीम पर है, और वही मेरा आइडिया भी है कि मैं इस चीज़ से कुछ सीखूं भी, और अगर मौका मिला जो ऋषिक से मेरी बात चल रही है तो मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव राइटिंग भी करना चाहूँगा, लिरिक्स भी लिखना चाहूँगा फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है जैसा आप लोगों ने बताया, और इसमें हमें हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को वो अवेयरनेस वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं ताकि लोग इस बात को समझें और इससे सीखे भी, और इसको कहीं ना कहीं वो जो दर्द है उसको भी महसूस करें। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा ग्राउंड लेवल तक जाके सारी जो डिटेलिंग में रिसर्च है वो कर रहा है, हमने जो रेखी करी है जिस लोकेशंस पे देखे हमने काफ़ी डीप उसमें रिसर्च करके हम लोग उसको उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। I am always thankful to him because of the trust he has on me. हमने स्टार्ट किया था एक शुरुआत एक छोटे से प्रोजेक्ट में, as a lyricist he was going to join us, and वहाँ से सफर जो इन्वेस्टर प्रोड्यूसर का, that is a big thing for us, क्योंकि as a lyricist हम अप्रोच किए थे इन्हें, ये खुद बोले I am interested, तो हमने जब उनको रिजल्ट दिखाए फिल्म जैसे बने, then he got interested कि हम कुछ बड़ा करते हैं, so वो हमारा जो सफर है that is like a very good year, and thank you him for the trust he have on me. मैं रुचि तो बचपन से ही, आई थिंक एवरी इंडियन हैज सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन मूवीज बेसिस द जॉनर एंड बेसिस द इंटरेस्ट, बट मैं खुद स्टोरी राइटिंग एज अ पैशन एंड एज अ हॉबी करता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और कुछ म्यूजिक वीडियोस के लिए मैंने खुद भी गाने लिखे हैं विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन टू म्यूजिक वीडियोज एंड इट हैज़ क्रॉस सम मिलियन व्यूज, वो भी हुआ है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूँ, बट इंटरेस्ट हमेशा मेरा। हाँ, गाने वगैरह, हाँ लिरिक्स हमारे जो हो रहे हैं वो गौरव जी ही लिख रहे हैं, पिछली बार जो फीचर किया था उसका भी लिरिक्स गौरव जी ने ही लिखा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। अभी तक रिवील नहीं की गई हमें, ये बहुत ही क्लोजली गार्डेड स्क्रिप्ट है, ये सर ने हमें खाली बताया कि आप हो उसमें पर आपको ये बनना है, और सर जब बोलते तो हम ना नहीं कहे। क्या बात है, अब वो कब बताएंगे मालूम नहीं। एक डायरेक्टर पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि मतलब
बिना कहानी सुने आपने ये डन कर लिया, तो मतलब काफी कॉन्फिडेंस से पहले भी काम करते हैं। एक तजुर्बा हो चुका है इनके साथ और उस एक तजुर्बे में सब पता चल गया कि इनकी जो क्लैरिटी है ना, एक बार इन्होंने समझा दिया फिर आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट बिहेव नॉर्मल एंड इट कम्स आउट लाइक ही हैज टोल्ड यू। सर के साथ पिछला काम करके सर आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली सर के साथ तो पिछला काम मेरा शॉर्ट फिल्म एक था, उसमें सर का एक कैरेक्टर था, तो मुझे लग रहा है कि जितना मैंने डायलॉग्स लिखा था वो नीडेड ही नहीं थे। सर अपने आप से इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स लेके आते हैं, वी डोंट नीड इट ओनली, हमारे डायलॉग्स डायलॉग राइटर भी शर्मा जाएंगे सर के पास जो डायलॉग्स रहते हैं। सो इंप्रूवमेंट अपने आप, बहुत इंप्रोवाइजेशन बहुत अच्छा रहता है सर का। और वी नो मिकी सर फ्रॉम एजेस, एड्स वगैरह इतने देखे, इतने फिल्म्स देखे सर को, तो हमें पहले से ही पता था। एक्चुअली इन्होंने शॉर्ट फिल्म में मुझे बहुत ही शॉर्ट रोल दिया था, तो उस शॉर्ट रोल में मेरे को थोड़ा जलवा दिखाना। मैम आप क्या कहना चाहेंगी सर के बारे में और इस फिल्म के बारे में? कौन सी सर? विकी सर के, विकी सर और मैं, हम दोनों ने बहुत टाइम से काम किया है, बट कंसर्निंग दिस मूवी, इसमें विकी जी को मैं आपको बता दूं, आप फादर प्ले कर रहे हैं और मैं मदर प्ले कर रही हूँ, दैट्स व्हाट इट इज। और स्टोरी बहुत अच्छी है, अच्छी इन द सेंस दुख वाली है, रेलिवेंट है, एंड इट हैज़ टू बी पोर्ट्रेट, इट हैज़ टू बी कन्वेड टू पीपल कि पनिशमेंट ज़रूरी है इस किस्म के हरकतों के, और ये पहुंचना चाहिए सबको।